आज सर हमें बताएंगे स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल वर्क कि मैं मतलब सोशल वर्क में स्टैटिस्टिक्स की क्या भूमिका है, क्या रोल है। देखिए, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं यानी सांख्यिकी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज बनती है कि कुछ आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों से संबंधित जानकारी, मतलब आंकड़े रहेंगे उनसे हमको जानकारी में कन्वर्ट करना है, जानकारी बनानी है और उससे फिर कुछ निर्णय लेना। तो आप देखेंगे कि कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, हालांकि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत विशाल काय विषय है, सब्जेक्ट है अध्ययन का, बट हम सोशल वर्कर के पर्सपेक्टिव से भी समझ रहे हैं सिर्फ उतना ही जितना हमको समझना चाहिए। तो अब स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए डेटा, ये आंकड़े। आंकड़ों में फिर अनेक प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा और द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। अब आप इसको समझिए ऐसे कि एक सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर को जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र में हो, बच्चों के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, अलग अलग एरियाज़ में उनको आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी एनजीओ में, जो भी संस्था में आप काम कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि हर जगह आंकड़े या डेटा जो है वो हमेशा रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एक साल यानी 12 महीने के अंदर में 12 महीने के पीरियड में आपने कितने लोगों को काउंसलिंग की, जब हम बात करते हैं कितने, हाउ मैनी यू नो पीपल यू डिड काउंसलिंग टू देम, तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो डेटा आ जाता है। काउंसलिंग की, उस काउंसलिंग से उनके जीवन में परिवर्तन या चेंज जो हुआ कितना हुआ, मानसिक स्वास्थ्य के जो रोगी हैं या जो पेशेंट्स हैं उनके केस में आप देखें कि उनको जो डॉक्टर के पास काउंसलिंग थेरेपी के सेशंस रहते हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम नॉर्मल बीमार पड़ते हैं तो हम जा कर के दवाइयाँ लेते हैं। तो अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि फला डॉक्टर की जो है दवाई फ़ायदा करती है और फला डॉक्टर की दवाई फ़ायदा नहीं करती है। तो जब हम इन सब चीज़ों को आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपनी सारी प्लानिंग करते हैं, अपनी सारी कार्य प्रणाली या जो कार्य पद्धति है या जो कार्य करना है हमको, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी सैलरी कितनी होगी, बहुत लोगों का सर सवाल आता है, मैडम सवाल आता है कि सर हमने MSW तो कर लिया है, BSW तो कर लिया है, बट हमें जो है जॉब नहीं मिल रही है, हमें अच्छी सैलरी वाली MSW में जॉब ही नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अपनी स्किल बढ़ाइए, आप उस तरह से काबिल बनिए। काबिल बनने का मतलब ये है कि आपको रिपोर्ट लिखने आती है, एक रिपोर्ट होगा जिसमें बिना डेटा के, बिना इन्फॉर्मेशन के आप निबंध लिख देंगे, दूसरे में आंकड़े दिए रहेंगे कि 2022 में कोविड के कारण इतनी डेथ हुई, 2021 में ये, 2020 में ये, 2019 में ये। तो आंकड़ों का जो संकलन है, उसका एनालिसिस है और उससे कुछ मीनिंगफुल डिसीजन निकालना, वो आप स्टैटिस्टिक्स की जो है भूमिका वहाँ पे आती है एक सोशल वर्कर के लिए। तो क्या ये क्लियर है मैडम, हमारे स्टूडेंट को समझ में आएगा? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी सर, रिसर्च इन सोशल वर्क, हाँ ये इस बारे में बताइए जरा। देखिए, ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। सोशल सेक्टर यानी सामाजिक क्षेत्र में, समाज में हम जब भी शोध करने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, तब हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी चीज़ों से मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि समाज में समस्या क्या है, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अपने MSW या BSW में फील्ड विजिट करके रिपोर्ट बनानी होगी, रिसर्च रिपोर्ट बनानी होगी, एजेंसी विजिट रिपोर्ट बनानी होगी। तो जब आप रिसर्च करके रिपोर्ट बनाते हैं और सिंपल रिपोर्ट बना देते हैं, दोनों में अंतर होता है।
रिसर्च रिपोर्ट में हम किसी एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उस प्रॉब्लम से संबंधित पहले जो भी अध्ययन या स्टडीज़ हुई हैं उनके बारे में देखते हैं, समझते हैं कि फला जगह पे फला समस्या थी, उसके लिए क्या मेथड, क्या प्रक्रिया पद्धति फॉलो की गई, सैंपल का साइज़ क्या रहा। यानी हम जब हम फील्ड में जाते हैं और प्राथमिक आंकड़े लेते हैं, प्राइमरी डेटा लेते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल के माध्यम से जाकर के लेते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई लोगों की जो भी समस्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के, अगर हम बस्तर की बात करें, बस्तर एक ज़िला है छत्तीसगढ़ में, और अगर हम उड़ीसा के कालाहांडी की बात करें, उत्तर प्रदेश के आप जो है कुछ ज़िलों की बात करें, मध्य प्रदेश की ज़िलों की बात करें, तो आप देखेंगे कि कुपोषण का जो दर है, मलेरिया के जो केसेस हैं कितने हैं किसी एक पर्टिकुलर ज़िले में या पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में या अर्बन एरियाज़ में भी ले लीजिए। तो अगर हम रिसर्च के माध्यम से जा करके आंकड़े संकलित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और हमने कुछ एजम्पशन पहले से अगर लिया है, जिसको हम वहाँ पर हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं, साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करते हैं, और उसके बाद एनालाइज करके जो रिज़ल्ट आता है उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से एक शोध, एक रिसर्च की हम एक ओवरऑल जो है फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सोशल वर्कर को जो भी फील्ड में जाके काम करना है या किसी भी सेक्टर में, मैं तो हमेशा सभी सेक्टर को लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना रिसर्च के, बिना एविडेंस के आप जब बात करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। और जब आप फील्ड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, समुदायों में जाते हैं और जानते हैं कि भाई आपकी समस्या क्या है, आपको क्या चाहिए, किस तरह के कार्यक्रम योजनाएँ सरकार से आप अपेक्षा करते हैं, क्योंकि सोशल वर्कर पॉलिसी एडवोकेसी भी करते हैं, प्रशासन में भी हेल्प करते हैं, तो रिसर्च करके आप जो है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को ले आते हैं लोगों के सामने और उस तरह से अपना काम करते हैं। रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम शोध करेंगे तो हम हो सकता है किसी कम्युनिटी के लिए हेल्प भी कर सकें, क्योंकि वो डाटा हम सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं, योजना के निर्माण में भी काम आ सकती है वो। तो बिल्कुल सोशल वर्क में रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर अब बताइए, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन सोशल वर्क। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग तो जनरली करते ही हैं, स्टडी सोशल वर्क वाले स्टूडेंट्स या सभी लोग करते हैं यूज़। देखिए, टाइप्स में, स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस है, फैक्टर एनालिसिस है, ये इस तरह के कुछ मेथड्स हैं जो स्टैटिस्टिकल टूल्स भी कहे जाते हैं, जिनका उपयोग करके हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि बिहेवियर चेंज या जो व्यवहार परिवर्तन है, कारक उसके कौन कौन से हैं, सह संबंध कोरिलेशन एनालिसिस विश्लेषण जब हम करते हैं, तो ये भी हमें एक देखा जाता है कि क्या शिक्षा का स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से कोई संबंध है। मतलब ये है कि ट्राइबल एरियाज़ में या जो आदिवासी हमारे भाई बहन रहते हैं, क्या उनकी शिक्षा, उनके शिक्षा का स्तर और इनका स्वास्थ्य या उनकी आजीविका में कोई संबंध है क्या। तो जब ये दो या दो से अधिक वेरिएबल्स या इस तरह के जो चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे कोरिलेशन जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है एक माध्यम है, एक मेथड है, जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि संबंध है क्या, और संबंध अगर हैं तो क्या सकारात्मक हैं, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, कि शिक्षा बढ़ेगी तो लोगों में सभ्यता कम होती जाएगी। आप सुने ठीक से कि नहीं सुने हैं भाई, शिक्षा बढ़ेगी तो आप सभ्य होना बंद हो जाएंगे, या शिक्षा बढ़ेगी तो सभ्यता जो है वो और बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते हैं। ट्रेन में आप जाते होंगे, ट्रेन में अगर आप जाइए तो जो एकदम बिना रिजर्वेशन क्लास का है,
उसमें जाइए, देखिए लोग सीट के लिए कैसे लड़ाई करते हैं। स्लीपर में चले जाइए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग, शिक्षित हैं। थर्ड एसी में जाइए, देखिए वहाँ और ज़्यादा, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, हवाई जहाज़ में जाइए, है ना। तो वहाँ देखिए शिक्षा का स्तर और सभ्यता। अब ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना टेस्ट करने की बात है। हम जाके 100, 50, 200, 500, 1000 लोगों से पूछते हैं, उनसे देखते हैं कि भाई क्या आप नैतिक मूल्य या जो सिद्धांत हैं, क्या आप ट्रेन में जाते हैं तो देखते देखेंगे आप लोग पान खा के थूक देते हैं सीढ़ियों पे। तो लोगों ने अब क्या किया है, भगवान की मूर्ति लगा, फोटो लगा देते हैं वहाँ पे कि आप पान खा के दीवार पे मत थूकिए। आप वो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक जो है व्यवहार है लोगों का, कि लोग जो है व्यवहार उनका समाज में अलग होता है, घर में कई बार अलग होता है। कई बार मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जो है हाइपोथेसिस में अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं। रिसर्च के ऊपर हमने छोटे छोटे वीडियोस 2-4-5 मिनट के हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड किए हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कॉजल, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप के रिसर्च क्या होते हैं, उनकी बेसिक आइडिया उनके बारे में दिया है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे उसको देख सकते हैं जी। सर अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल वर्क जब हम ये करते हैं तो। देखिए चुनौतियाँ एक सोशल वर्कर को बहुत सारी जो है उनका सामना करना पड़ता है, खासकर अगर हम स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या हमसे बड़े लोग भी जो हैं, आप लोग देखेंगे कि हमको पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और हम ट्रेंड भी नहीं होते हैं। मैं खुद अपने बारे में बात करूं तो मैंने पिछले काफ़ी सालों में थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझने की, अपनी स्टैटिस्टिक्स के प्रति समझ विकसित करने की कोशिश की है, तब मैं आज समझ पाता हूं थोड़ा सा। पर ऐसे कई परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि सोशल वर्कर को कौन सा डेटा लेना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, यूज़ करना है, काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करना है कि स्टूडेंट टी टेस्ट यूज़ करना है, की फैक्टर एनालिसिस यूज़ करना है, एनोवा यूज़ करना है, एनकोवा यूज़ करना है, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ हेल्प लिया जा सकता है, कौन सा मेथड क्या होगा, हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं होता है। तो एक चुनौती बन जाती है एक सोशल वर्कर के लिए, और उसके लिए तभी होगा जब आप थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू या सर्वे करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। फिर हमको सैम्पल साइज ऑप्टिमम कितना लेना है, कितने लोगों का इंटरव्यू लेना है, कितने लोगों से जाके पूछना है, देखना है, समझना है, केस स्टडीज़ कैसे करनी है, जो डेटा ले रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्ट करना है, उसके लिए कोई टूल टेक्निक मेथड है क्या साइंटिफिक तौर से। तो ये कुछ चुनौतियाँ होती हैं। कई बार तो होता है कि भाई हम जो है SPSS सॉफ्टवेयर जो है, जो सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी, उनको हमको यूज़ करने नहीं आता है, तो चुनौती हमारे लिए थोड़ा सा समस्या क्रिएट होती है सोशल वर्कर के लिए। फिर देखेंगे तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, अभी इतना ही समझते हैं। बट कुल मिला के कि डेटा की रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, सिलेक्शन ऑफ मेथड, ये कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं जो एक सोशल वर्क के स्टूडेंट को आमतौर पे देखने को मिलती हैं। जी जी बिल्कुल। सर फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बात करें तो आगे हमें किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को समाज को ऑब्जर्व करना चाहिए, समाज में होने वाले चेंजेस को देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स का यूज़, उसका हेल्प कैसे लिया जा सकता है सोशल इश्यूज़ को क्वांटिफाई करने में। क्योंकि देखिए डेटा जो है ना वो दो तरह से होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक, संख्या में होता है, आप कितना बजे सो के उठते हैं, आपको कितनी बार आपने जो है इंजेक्शन लगवाया है कोविड का, वैक्सीनेशन करवाई है, एक बार करवाया, दो बार करवाया, तीन बार करवाया लिया, आप साल भर में कितनी बार बीमार पड़ते हैं, आप कितने कैलोरीज या आपको जो पोषक तत्व हैं वो, आपके कितने घर में परिवार में बच्चे हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आप स्टैटिस्टिक्स या डेटा या इन्फॉर्मेशन के बेस पे कोई काम करते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कहीं अपने तथ्यों को रखते हैं, तब आपकी विश्वसनीयता यानी आपकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्यूचर स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल वर्क ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशंस में आप देखेंगे कि पिछले 50 सालों में स्टैटिस्टिक्स का जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, वो बैकबोन की तरह निकल के आया है। मतलब रीढ़ की हड्डी जैसे कि बिना हम खड़े नहीं हो सकते, वैसे हर सामाजिक क्षेत्र में। और समाज में जब बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं हमारे किसी भी योजना से, किसी भी कार्यक्रम से, तब स्टैटिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सोशल वर्कर को ये देखना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप ट्रेंड रहेंगे कोरिलेशन रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में निकालने में, या कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जस्टिफाई करने में, स्टडी करने में, फाइंड आउट करने में, जितना आप एक्सपर्ट होंगे उतनी अच्छी आपकी सोशल सेक्टर में स्टडीज़ होंगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, आप पढ़िए, समझिए, और आपके जो भी आसपास आपके मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं या जो भी हैं, उनसे विनम्रता के साथ आप पूछिए, सीखिए और आगे बढ़िए। यही हमारी शुभकामना है। ओवरऑल सर, कंक्लूजन में, हम कहें निष्कर्ष में, आप क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल वर्क? देखिए, ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है कि एक सोशल वर्कर को हमेशा फैक्ट के हिसाब से या कुछ रिसर्च एविडेंस के हिसाब से कहीं पर भी बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और अपने सारे जो चीज़ें हैं, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब स्टैटिस्टिक्स का बहुत महत्व है इन सारे कार्यों में, सारी एक्टिविटीज़ में। तो सोशल वर्कर होने के नाते अगर हम कंक्लूड करें तो हमको रिपोर्ट्स बनानी है, रिसर्च रिपोर्ट्स, एजेंसी विजिट रिपोर्ट्स, या जो भी अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी है, उनमें स्टैटिस्टिक्स का, उसमें डेटा का, उसमें इंफॉर्मेशन का जो है आप जो है यूज़ करें, उसका हेल्प लें, और अपनी रिपोर्ट इस तरह से बनाएं कि देखने वाला जो है, जो पढ़ने वाला है, जो समझने वाला है, उसको कुछ उसका नॉलेज अपडेट हो, उसको कुछ वैल्यू एडिशन मिले कि भाई मैं ये तो पहले से जानता था, बट इनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे अच्छा ये भी पर्सपेक्टिव डायमेंशन है। लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, एक होता है डेटा स्क्रैप। डेटा से हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन से हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, नॉलेज से हम विजडम क्रिएट करते हैं। तो ये जो विजडम की प्रोसेस है, जो जर्नी है, कि डेटा है बस कुछ आंकड़े हैं, उससे हमने कुछ जानकारी निकाली, कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली, और उससे फिर हमने नॉलेज क्रिएट किया, और नॉलेज से फिर बौद्धिक स्तर पर विजडम क्रिएट कर रहे हैं। सोशल वर्कर की ये जर्नी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, समाज का आईना एक तरह से बनने की कोशिश करते हैं, समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी। जी बिल्कुल सर, आपने इस बारे में बहुत अच्छे से समझाया, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको मैं आशा करती हूँ समझ में आया होगा।